हवाले से मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर 4 सेलेक्ट किया है जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं सिंथेटिक डिवीजन रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड है, अब इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे और हम उनको किस तरह से डील करेंगे, थोड़ी सी हम साथ इनकी रिविजन भी करेंगे। अब देखें ECAT के अंदर जैसे सिंथेटिक डिवीजन इज द फर्स्ट टॉपिक, अब सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड एज सच क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्चुअल आ जाएगा तो वो कुछ इस तरह से होगा कि सिंथेटिक डिवीजन में जब आप डिविडेंड के लेट से कोफिशियंट्स लिखते हैं तो मिसिंग कोफिशियंट्स को किस ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी ओवरऑल जो कोफिशियंट्स होते हैं जिसमें मिसिंग कोएफिशिएंट को जीरो से रिप्लेस करते हैं वो किस ऑर्डर में होते हैं, तो ऑब्वियसली वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर x4 का कोएफिशिएंट, लेट सपोज अगर हाईएस्ट पावर पूरी उस पॉलिनोमियल में x4 है तो x4 का कोएफिशिएंट पहले और फिर x3 का कोएफिशिएंट, अगर पॉलिनोमियल में नहीं भी है तो फिर भी हम उसको जीरो से रिप्लेस करेंगे यानी जीरो लिखेंगे उसकी जगह, फिर x2 का एंड देन सो ऑन। अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं है और एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, ये हमारे पास लेट सपोज एक एमसीक्यू है जो कि बजाहिर हमें लगता है कि हम सिंथेटिक डिवीजन से ज्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट शॉर्टकट्स, यानी स्मार्टली आपने कैसे प्ले करना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इन ECAT बिकॉज टाइम इज अ बिग कंस्ट्रेंट, टाइम को मैनेज करना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है ECAT के अंदर, तो उसके लिए आप जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं या स्मार्टली प्ले करने की कोशिश करेंगे। जैसे इफ x4 - x2 + 15 डिवाइड्स x + 1 देन क्वोशेंट एंड रिमाइंडर इज गिवन एज x3 - x2, यानी ये क्वोशेंट है और फिर ये 15 रिमाइंडर है, या x3 + x2 क्वोशेंट है 15 रिमाइंडर है, या आगे सी और डी ऑप्शन भी गिवन है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर लेट सपोज आप डिविडेंड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, डिविडेंड इक्वल होगा डिवाइजर को अगर आप मल्टीप्लाई कराएं क्वेश्चन के साथ और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर। अब जाइए कि आप सिंथेटिक डिवीजन करें या ऑब्वियसली सिंथेटिक डिवीजन भी आपका टाइम लेगी, अगर आप वर्टिकल डिवीजन करते हैं यानी जैसे हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं वो भी टाइम लेगा, तो हम क्या करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग कि हम ये जो डिवाइजर है चारों ऑप्शन में डिवाइजर गिवन है इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे क्वेश्चन के साथ, सॉरी जो क्वेश्चन गिवन है ये चारों क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई कराएंगे डिवाइजर के साथ और उसमें रिमाइंडर जो गिवन है जो भी क्रॉसपॉन्ड यानी जिस ऑप्शन को भी पिक कर रहे हैं फिर उसका रिमाइंडर हम ऐड करेंगे, अगर यानी जो भी ऑप्शन इसमें हमें डिविडेंड दे देगा यानी x4 - x2 + 15 दे देगा वही हमारा आंसर होगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसमें टाइम लग रहा है, वरना अगर आप खुद इसको करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को पिक करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन है x3 - x2, तो मैं लिखता हूं x3 - x2 और मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको डिवाइजर के साथ विच इज x + 1। अब ये दोनों एक दफा इससे मल्टीप्लाई होगा देन इससे मल्टीप्लाई होगा तो x3 * x पावर ऐड हो जाएंगी x4 - x2 * x3, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है 1 * x3 = x3 जो कि +x3 है एंड देन -x2। अब हम सबको ऐड कर लेंगे ये आ जाएगा x4 ये कैंसिल आउट हो गया और -x2, ठीक है। अब ये रिमाइंडर कितना है 15, तो अगर मैं रिमाइंडर इसमें ऐड कर दूं तो क्या ये हमारे डिविडेंड के इक्वल आ रहा है, डिविडेंड चेक कर लें x4 - x2 + 15 क्या है x4 - x2 + 15, तो दिस इज एग्जैक्टली सेम, इसका मतलब है हमें बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम जब इसका कोष्ट डिवाइजर इसके कोशेंट से मल्टीप्लाई होता है रिमाइंडर ऐड होता है तो हमें ये आंसर दे देता है। देखिए अगर हमें सिंथेटिक डिवीजन नहीं भी आती तभी हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब अगेन अगर आप इसको खुद सॉल्व करेंगे एक्सप्लेन नहीं कर रहे आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप जो है एक मिनट से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। चलें जी इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जो कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, द सम ऑफ रूट्स ऑफ 12x² - 7x + 4 = 0 इज -7/12, 12/7, 7/12 और 1/3। क्वेश्चन ये है
कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने पे हमारे पास दो रूट्स आएंगे। अब वो जो दो रूट्स आ रहे हैं उनका सम वो बता रहा है, -7/12 हो सकता है, 12/7 हो सकता है, 7/12 हो सकता है, या 1/3 हो सकता है। अब हमने बात की रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स यानी रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो कोफिशिएंट्स आपको नजर आ रहे हैं 12, -7 या कांस्टेंट, इनके दरमियान और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है कि जो सम होता है एस जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो -(-) ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि जनरली क्या लिखते हैं हम बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि होता है ए। अब ये कैसे आता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसमें हम बात करते हैं कि जो दो रूट्स हैं वो क्या है -(-) या -b, यानी एक रूट होता है -b (+√b²-4ac), b² - 4ac ओवर 2a, ठीक है, और दूसरा जो है वो होता है यानी इसमें अगर हम ऐड कर लें, यानी अगर हम इसमें ऐड कर लें दूसरा रूट -b (√b²-4ac), b² - 4ac ओवर 2a, तो ये हमारे पास सेकंड रूट है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास -b और आएगा। अब -b देखें इसमें क्या है, -7, यानी -(-7), क्योंकि बी इटसेल्फ नेगेटिव है, तो एक तो नेगेटिव इसकी वजह से आ रहा है, एक बी इटसेल्फ नेगेटिव है, -7/(a)-12, तो -(-)+, तो +7/12, 7/12 इज द राइट आंसर, ठीक है, इस तरह से आप पिक कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम टाइम सेव करें, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें प्रोडक्ट गिवन हो तो व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो प्रोडक्ट के लिए ऑब्वियसली ऑप्शंस हमारे पास ये नहीं होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए ऑप्शंस चेंज होंगे, तो लिहाजा मैं ये ऑप्शन रिमूव कर देता हूं। ऑब्वियसली चार ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें एक तो प्रोडक्ट होगा, तो आप उसको हम डायरेक्टली अगर फाइंड आउट कर लें व्हाट इज द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट ऑफ द जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है सी यानी जो कांस्टेंट है जिसको आप सी से जनरली रिप्लेस करते हैं, सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन याद रहे कि इस केस के अंदर हमने ये बात जरूर देखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में लिखना है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें (ax²+bx+c=0) इस फॉर्म में होगी, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्ट कैसे आएगा, अगर हम इन दो रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, यानी प्रोडक्ट आ जाएगा सी ओवर ए। अब व्हाट इज सी, सी इज फोर, कांस्टेंट क्या है 4, डिवाइडेड बाय व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 12, तो कैंसिल आउट करेंगे 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम्स 12, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1/3। इसका मतलब है इसके जो दो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या है 1/3, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सिंथेटिक इक्वेशन को हमने डिस्कस कर लिया, हमने रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन हो तो वहां से हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट्स गिवन हो तो वापस उससे इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, यहां पे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। एमसीक्यू देखते हैं, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7/12 एंड प्रोडक्ट इज 3/4, देन इक्वेशन इज 12x²-7x+9=0, 12x²+7x-9=0, 12x²+7x+9=0 और -12x²+7x-9=0, बहुत क्लोज जो है वो कंपटीशन है, तमाम ऑप्शंस के अंदर जस्ट साइन का डिफरेंस है, यानी जो टर्म्स हैं वो सारी सेम है, साइन डिफरेंट है, तो अब हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी कैन इजीली सॉल्व इट, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स जो होता है इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम गिवन हो और प्रोडक्ट गिवन हो तो हम एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स यानी एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो से उस इक्वेशन को वापस हासिल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं। अब अगर आपको ये चीज भूल जाए तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, तो
अगर आप थ्रू आउट ए से डिवाइड कर दें तो सी के लाइक इधर से भी ए से डिवाइड कर दें, इधर भी ए से डिवाइड कर दें, इधर भी ए से डिवाइड कर दें, तो विल गेट एक्स स्क्वायर, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस बी ओवर ए को लिखते हैं माइनस और माइनस बी ओवर ए। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको भी बताता हूँ, एक्स प्लस सी ओवर ए। अब हम जानते हैं कि हमने देखा था सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यानी जो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें रूट्स का जो सम होता है वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो यहां पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। अब इनको यूज करते हुए आप सॉल्व कर लें, मैं यहां पे ही स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, लेट्स सपोज यहां पे, ताकि वो सामने ही रहे हमारे स्क्रीन के। हमारे पास जो दो रूट्स हैं वो क्या है, रूट्स हमारे पास है एक 7/12 है और एक 3/4 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/12 एक्स और प्लस 3/4 इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप देखें तो 12 हमारे पास एलसीएम है, 12 ही एलसीएम है, तो ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बाय 1 है। तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स और प्लस 4 3s आर, तो 3 3s आर 9 इज इक्वल टू जीरो, और 12 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 9, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 9, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। सो हमें बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है कि जस्ट साइन चेंज है, बिकॉज वी आर वेरी क्लियर अबाउट दी स्टेप्स या कॉन्सेप्ट के हमने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन तक किस तरह से पहुंचना है। तो इस तरह से आपके पास किसी भी तरह की रूट्स गिवन हो, हम बड़े ही आराम से इक्वेशन बना सकते हैं। समटाइम इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें सिर्फ रूट्स दिए जाए, यानी हमें रूट्स गिवन है, सम ऑफ रूट्स नहीं है। जैसे वो कहता जी एक ही क्वेश्चन है जिसके रूट्स हैं माइनस 7/4, उसका एक रूट है और दूसरा उसका रूट है 4/7। तो हमें मालूम करना है कि इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। अब अगर ये दो इसके रूट्स हैं तो इसका मतलब है एक रूट इसका है x इक्वल टू माइनस 7/4, दूसरा इसका रूट है x इज इक्वल टू 4/7। तो आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो गेट 4x और माइनस 7 इधर आके प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक तो ये हो गया, और इसी तरह से 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, यानी दोनों लीनियर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारे पास ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड ऑप्शन कुड बी कि आप इन दोनों का पहले सम फाइंड आउट कर लें, यानी दोनों रूट्स का पहले सम फाइंड आउट करें, ठीक है, माइनस 7/4 प्लस 4/7 करने से सम आ जाएगा, फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें दोनों रूट्स का। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद माइनस 7/4 टाइम्स 4/7, ठीक है, 4 4 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, लाइक माइनस 1। इसी तरह से अब आप वही जो हमने एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो दोनों वेज हैं, बोथ वेज हैं, आप किसी भी वे से जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आप उस वे से इसको कर सकते हैं। यानी आपको बताने का पर्पज ये था कि सम टाइम वो एमसीक्यूज के अंदर आपको रूट्स दे देंगे, यानी रूट्स का प्रोडक्ट ये सम नहीं, सिंपल रूट्स देंगे जिससे आपने सम और प्रोडक्ट खुद फाइंड आउट करना है, या आप उन रूट्स को एक्स के इक्वल पुट करके आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन कुड बी कि आप जो है दोनों का सम फाइंड आउट करें खुद से, प्रोडक्ट खुद से फाइंड आउट करें, एंड देन यू सॉल्व यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करें यूजिंग दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स जीरो। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन यू से भी हो सकता है कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो व्हाट इज द इक्वेशन। अब यहां से देखिए एक रूट है, देयर इज नो प्रोडक्ट, देयर इज नो सम, नो दो रूट्स भी नहीं है, जस्ट एक रूट गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस रूट को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप इस रूट को रखें एक्स के इक्वल, बिकॉज जब भी आप रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो फाइनली आप कहते हैं एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड द अदर रूट इज एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो अगर एक रूट एक्स इज इक्वल टू दिस है, अब 3 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वेयर कर लें, इधर भी स्क्वेयर करें, इधर भी स्क्वेयर करें, तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, गेट 2 हेयर, या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर उसके बाद प्लस 9, यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 बी माइनस 6 एक्स माइनस 6x, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2 होगा, तो 9 माइनस 2 इज
प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखें सिंपल एक रूट होते हुए भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। जो भी चार ऑप्शंस होंगे आप उसमें दिस इस ऑप्शन को पिक करेंगे तो योर आंसर विल बी राइट। क्वेश्चन यू भी आ सकता है, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ 5x² - x - 2 इक्वल 0, फाइंड इक्वेशन विद रूट्स 2α 2β। अब इसमें सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो उसके मुताबिक जो सम है इसका, यानी अल्फा प्लस बीटा है जिसको मैं सम कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वो क्या होगा? वो ऑब्वियसली नेगेटिव ऑफ माइनस, यानी एक्स का कोफिशियंट जो कि -1 है, -1 ओवर एक्स का कोफिशियंट जो कि है 5। तो -(-+) तो 1/5 ये आ गया। इस तरह से प्रोडक्ट जो है जो कि अल्फा टाइम्स बीटा होता है, अल्फा बीटा वो किसके इक्वल होता है, कॉन्स्टेंट जो कि -2 डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ x² - 2/5। लेकिन वो कहता है कि आप एक नई इक्वेशन फाइंड आउट करें जिसके रूट्स 2α और 2β होंगे, तो इसके मुताबिक सम क्या हो जाएगा विद न्यू रूट्स? सम हो जाएगा 2α + 2β, जिसका मतलब है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब है ये अल्फा प्लस बीटा 1/5 है, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 × 1/5 विच इज 2/5। ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास 2α 2β हो जाएगा, 2α × 2β जिसका मतलब है 4 टाइम्स अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा -2/5 है तो 4 टाइम्स -2/5 - 8/5 हो जाएगा। अब सम भी है प्रोडक्ट भी है तो ऑब्वियसली आप x² - sx + p को यूज करते हुए आप रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे बड़े, यानी इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे जिसके रूट्स 2α 2β, यानी गिवन इक्वेशन के रूट्स के 2 टाइम्स के इक्वल थे, यानी ईच रूट जो था वो 2 टाइम्स ऑफ द गिवन रूट था, उससे रिलेटेड भी, यानी उसको यूज करते हुए भी हमने नई इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो इस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, ऑप्शंस में जो भी इक्वेशन होगी आप उसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं जी। द इक्वेशन 5x² + 7x + 8 = 0 हैज चार ऑप्शंस हैं, रियल रूट्स, रैशनल रूट्स, इरैशनल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। अब देखिए जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac ओवर 2a। अब रूट्स हमारे इमेजिनरी आ जाएं, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं, रूट्स हमारे जो है वो रिपीटिंग हो जाएं, ये रूट्स हमारे अनइक्वल हो, यानी डिफरेंट टाइप्स हैं रूट्स की जो मैं 1/1 डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो सब डिपेंड करता है b² - 4ac के ऊपर, इन जो स्क्वेयर रूट के अंदर हमारे पास दो टर्म्स हैं b² - 4ac है, जो एक्सप्रेशन है इन रूट्स की नेचर उस पर डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी दिस इज कॉल्ड b² - 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसका मतलब है ये रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, उनमें फर्क बयान करता है, उनमें इम्तियाज बयान करता है। तो अब देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इस केस में क्या होगा, और उसी की बेसिस के ऊपर जाहिर है हम यहां पे फिर जो रूट्स की नेचर भी बता देंगे। अब b² - 4ac, तो हम b² - 4ac अप्लाई करते हैं। यहां पे देखें b² - 4ac में दिस इज b, तो ये आ गया 7² - 49 -4ac। a 8 है, जो a 5 है, c जो है वो 8 है। ठीक है, तो 8 × 5 = 40 और 40 × 4 = 160। ठीक है, 160। तो आप देख लें 49 को जब आप 160 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो अगर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था जिसमें स्क्वेयर रूट b² - 4ac है, ठीक है, जिसमें -b + -√b² - 4ac/2a है, अब इसमें अगर स्क्वेयर रूट में नंबर नेगेटिव हो तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब है इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, इसके रूट्स ऑप्शन 4 जो भी होगा इसके रूट्स इमेजिनरी है, तो विल पिक दिस ऑप्शन इमेजिनरी रूट्स। लेकिन अगर देखें इसी यानी अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब है उसमें हमारे पास जो है ग्रेटर, यानी मैं अभी सारे केसेस जो है वो डिस्कस कर रहा हूं, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियसली आप एक दफा करेंगे -b + that value, यानी जो भी वैल्यू होगी वो, ठीक है, +that value / 2a। ठीक है, और एक दफा
माइनस बी माइनस दैट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2a. तो इसका मतलब रूट्स हमारे पास दरअसल जो है इस केस में रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे. तो इसका मतलब है जो केसेस हमारे पास बन रहे हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यहां पे मैं लिखता भी जाता हूं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है, विच मीन्स नेगेटिव है और नेगेटिव है, तो उस केस में रूट्स होंगे इमेजिनरी, जैसे कि हमने बात भी कर ली. ठीक है, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव आ रहा है, और यानी यहां पे नेगेटिव था और पॉजिटिव आ रहा है, तो इस केस में हमारे पास रूट्स होंगे रियल लेकिन अनइक्वल होंगे, यानी दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, बिकॉज एक दफा प्लस के साथ करेंगे और एक दफा हम माइनस के साथ करेंगे. ठीक है, और अगर ये रूट्स जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाए, यानी इक्वल टू जीरो आ जाए, मीन किसके रूट वाली टर्म खत्म हो जाएगी फिर. इसका मतलब है इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में दो केसेस हैं, उस केस में हमारे पास फर्दर टू केसेस हैं. अगर तो वो इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास रूट्स होंगे वो रियल हो जाएंगे, रिपीटेड होंगे, यानी दोनों रूट्स रिपीटेड होंगे. इसका मतलब है दैट समथिंग वाज परफेक्ट स्क्वायर, या परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकती है चीज, ठीक है, और रिपीटेड होंगे, या उसको हम इक्वल भी कह सकते हैं, रिपीटेड एंड इक्वल. और इसी तरह से अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे फिर, रैशनल होंगे, अदरवाइज इरेशनल होंगे. यानी अगर जैसे जो स्क्वायर रूट आपको नजर आ रहा है यहां पे, अगर ये 36 हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 36 हो जाए, तो स्क्वायर रूट करने से क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 6. तो इसका मतलब है रूट्स रैशनल होंगे, फिर इरेशनल नहीं होंगे. ठीक है, लेकिन अगर ये स्क्वायर रूट्स में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तो इसका मतलब है रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे. तो ये दरअसल कुछ नेचर्स है जो हमने टाइप्स देखी है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप इस जो इंफॉर्मेशन इसको यूज करते हुए आप नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाकी एमसीक्यूज जो होंगे वो सारे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, तो आप उनको बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैं इसको रिमूव कर लूं. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है हमारे पास सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना पड़ सकता है, उस रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज आ सकते हैं. वो क्या है एमसीक्यू है जी, व्हाट शुड बी एडेड टू 9x4 प्लस 2x2 प्लस 25 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर. 32x2 ऑप्शन 1 है, 30x2 ऑप्शन 2 है, माइनस 32x2 ऑप्शन 3 है, एंड 14x2 इज ऑप्शन नंबर 4. अब देखिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऑब्वियसली ये जो टर्म है वो हमारे पास होनी चाहिए ए स्क्वायर, दिस हैज टू बी ए स्क्वायर. ठीक है, और ये इधर प्लस और माइनस 2ab हो सकता है. ठीक है, और दिस हैज टू बी बी स्क्वायर, दिस हैज टू बी बी स्क्वायर. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसको वन बाय वन टेस्ट करते हैं. जैसे मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करता हूं, तो हम कर सकते हैं जी चले 9x^4 को लिख सकता हूं मैं 3x^2 का होल स्क्वायर, 3x^2 का होल स्क्वायर, जो कि 9x^4 ही बनता है, 3 का स्क्वायर 9 एंड x^2 का स्क्वायर 4. इसी तरह से 25 को मैं बी स्क्वायर बना सकता हूं प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि बी स्क्वायर है. अब देखिए, अगर मेरे पास ये a हो, इफ दिस इज माय a स्क्वायर एंड दिस इज माय b स्क्वायर, तो इसके मुताबिक मेरे पास 2ab क्या बनता है, 2 into a है 3x^2, और b हैज टू बी, यानी b 5 है, तो 2ab बनना चाहिए 5 3s are 15 15 2s are 30 30x^2 जबकि मेरे पास जो गिवन है वो क्या है 2x^2. इसका मतलब है अगर मुझे 30x^2 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे बता सकता हूं गिवन ऑप्शन में, या तो हम 28x^2 ऐड कर दें, या तो हम 28x^2 ऐड कर दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 28x^2 हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है. ठीक है, यानी अगर 2x^2 में मैं 28x^2 ऐड करता हूं, बिकॉज 30x^2 मुझे बनाना है, तो वो ऑप्शन में है ही नहीं. इसका मतलब है फिर हमें रिवर्स में सोचना पड़ेगा, यानी नेगेटिव भी हो सकता है, यानी प्लस 2ab या माइनस 2ab. तो अगर मैं माइनस 32x^2 करूं तो माइनस 32x^2 प्लस 2x^2 बन जाएगा माइनस 30x^2. तो इसका मतलब है
उस केस में हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर बन जाएगा, बट अगेन इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वेयर. तो माई ऑप्शन विल बी सी विच इज माइनस 32x स्क्वेयर, माइनस 32x स्क्वेयर. तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड. तो कंप्लीटिंग स्क्वेयर से मैं इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूं. या आपने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो उसका इजिएस्ट वे जो है वो ये है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सम टाइम, नॉट इन दिस केस, यानी इस पर्टिकुलर टॉप एमसीक्यू के अंदर तो हमें इस तरह ही करना था, लेकिन अगर हमारे पास एमसीक्यूज इस तरह के हों जिसमें हमें सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना हो, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बजाय ये कि आप एक रिग्रेस किस्म का वो प्रोसेस करें पूरा, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन की जा सकती है, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला किया जा सकता है या फैक्टराइजेशन की जा सकती है, ठीक है, फैक्टराइजेशन, ठीक है, या कंप्लीटिंग स्क्वेयर फाइंड आउट किया जा, कंप्लीटिंग स्क्वेयर अप्लाई किया जा सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वेयर, या अगर इक्वेशन कॉम्प्लेक्स किस्म की है तो उसको उसको रिड्यूस करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो टाइम टेकिंग है, यानी इसमें टाइम लगेगा. तो हमारे लिए सबसे बेस्ट वे क्या है कि जो गिवन ऑप्शन है, जो गिवन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको हम उस इक्वेशन में इंसर्ट करके चेक कर लें, यानी इंसर्ट करके उसको एवेल्युएट कर लें, जिसके लिए वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दे देगी, हमारे पास वही आंसर होगा. तो इस तरह से आप इस तमाम टॉपिक्स रिलेटेड एमसीक्यूज को डील कर सकते हैं.